बिहार में जहां एक ओर नौकरियों की बहार है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण चिकित्सक अभी तक सरकारी नौकरी पर ना किए जाने से नाराज हैं। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन अब जो ग्रामीण चिकित्सक हैं वह सड़कों पर उतर चुके हैं। इसी कड़ी में आज ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पटना में राजद और जदयू कार्यालय का घेराव कर दिया। ग्रामीण चिकित्सकों का कहना है कि हमें सरकार की ओर से ही आश्वासन दिया गया था कि अगर आप CCH कोर्स कर लेते हैं तो आपका समायोजन हो जाएगा, यानी कि आप सरकारी चिकित्सक हो जाएंगे, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं, मिला तो सिर्फ आश्वासन। और इसी वजह से आज हम लोग राजद और जदयू कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं। आक्रोशित ग्रामीण चिकित्सकों ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम इन दरवाजों को नहीं छोड़ेंगे। बहुत भटक चुके लेकिन अब आर पार की लड़ाई होगी। इतना ही नहीं, बिहार सरकार को चेतावनी देते हुए चिकित्सकों ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं सुनी, हमारी बातें नहीं मानी गई, तो आने वाले 2024 और 25 में सरकार को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं चिकित्सकों ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को भी राजद कार्यालय में जाने से रोकने का प्रयास किया। आक्रोशित चिकित्सकों ने जगदानंद सिंह की गाड़ी का राजद कार्यालय के गेट पर ही घेराव कर लिया और जैसे ही जगदानंद सिंह गाड़ी से उतर कर कार्यालय में दाखिल होने के लिए बढ़े, वैसे ही ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी मांग रखनी शुरू कर दी। पुलिस ने जब उन्हें वहां से हटाने का प्रयास किया तो उन्होंने वहां से हटने से मना कर दिया और अपना प्रदर्शन जारी रखा। मैं डॉक्टर प्रिय रंजन किशोर, ग्रामीण चिकित्सक मैडम से हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग को भी चाहिए नौकरी चाहिए, हम लोग को भी सरकार से उम्मीद है कि हम लोग का भी पूरा करें। झटपट वाला बात बोले हैं तो हम लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं, इसलिए हम लोग का भी कुछ होना चाहिए। मैं डॉक्टर प्रिय रंजन किशोर, ग्रामीण चिकित्सक का प्रदेश संरक्षक होने के नाते मैं सरकार को बताना चाहूँगा कि 21,000 हमारे ग्रामीण प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं जो बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश जी ने प्रशिक्षित करवाया और ट्रेनिंग दे करके सर्टिफिकेट भी दिया है, और 30,000 को अंधेरे में लगा के रखा है, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, उसका सर्टिफिकेट नहीं हुआ, और उसके पीछे इतने बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनको वो ट्रेनिंग दें और सर्टिफिकेट देने का काम करें। अगर वो ट्रेनिंग दिलवाए हैं और सर्टिफिकेट दिलवाए हैं तो हम लोगों को यही मांग है कि हम लोग को जैसे भी हो समायोजन किया जाए। अगर हम लोग को नौकरी नहीं दिया गया तो हम लोग पूरे बिहार में 6,00,000 ग्रामीण चिकित्सक हैं। अगर 6,00,000 ग्रामीण चिकित्सक उग्र हो चुके हैं, सभी बिहार से अभी हजारों के संख्या में जुटेंगे, JDU कार्यालय और RJD कार्यालय तो देख ही रहे हैं, हम लोग घेराव कर रहे हैं। अगर हम लोगों को समायोजन नहीं किया गया तो आने वाला 2024 के चुनाव में उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और 2025 में गद्दी से उतार करें।
हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।